वेलकम टू मारुतिया क्लासेस। ट्वेंटी एट सेंटीमीटर का पेपर है। 28 सेंटीमीटर का पेपर है हमारे पास। ओके, सो 28 सेंटीमीटर के पेपर में हम बनाएंगे ये वाला टैडी। टैडी कैसे बनाएंगे? ओके, तो एक स्टार्टिंग लाइन दे देते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एंड करेंगे। तो हमारे वाले पेपर में भी हम यहाँ पे स्टार्ट देते हैं, यहाँ पे एंड देते हैं। ओके, आप कहीं भी दे सकते हो, आपको अगर छोटा बनाना हो, इतना सा छोटा बनाना हो, तो आप ये स्टार्ट दे सकते हो, ये एंड दे सकते हो, इतना छोटा बनाना हो तो। ओके, अभी एक इसकी सेंटर लाइन देते हैं, सेंटर। ओके, इसमें भी एक सेंटर देते हैं। ओके, तो ये बेसिक है, एक स्टार्टिंग लाइन है, एक एंडिंग लाइन है। ओके, उसके बीच में एक सेंटर लाइन दी, ये सेंटर लाइन दी। अभी फिगर सीधा है, टेढ़ा है, ऐसा है, उसको दिखाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन, मतलब कि एक स्ट्रेट बीच से एक स्ट्रेट लाइन करेंगे, रेफरेंस लाइन। ओके, ये मैंने सब स्ट्रेट कर दी। ओके, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो चलेगा। अभी देखो, यहाँ पे हमें इजीली दिख रहा है कि ये कॉर्नर है, वहां से हार्ट बन रहा है, तो हमें हार्ट इजीली हो जाएगा, ये वाला हार्ट। ओके, अभी एक बात की दिक्कत ये भी आएगी, ये ऊपर से डिवाइड तो हो गया, बट ये ऐसे डिवाइड कैसे होगा? ओके, ये कितना मोटा होगा, कैसा होगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे? ये है, आपको देखना है कि आपकी ड्राइंग में आप यहां पे जितना ले रहे हो, जितना साइज, उतना साइज यहां पे मेजर करो। जैसे कि मैं यहां पे ये ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, ये वाला पोर्शन ऐसे करके मैंने हाथ, ये वाला है, तो सेम चीज आप यहां पे मेजर करो, मार्क कर दिया, ये और ये थोड़ा सा बाहर है, ये मतलब कि हमारा हाथ इतना सा बाहर हो गया। ओके, शेप आ गया। थोड़ा सा ऊपर भी है, इसको हल्का सा ईज कर देते हैं ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, ये लाइन के ऊपर है। अभी फिलहाल मैं बेसिक बेसिक कर रहा हूं। ओके, तो उसमें आपको गलती हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हार्ट है, पहले हार्ट को ऐसे करके देख लो, देखो ये लाइन के इस तरफ आ रहा है, रेडी। तो हम ये पॉइंट यहां पे रखते हैं और हार्ट को ऐसे लाते हैं, सेंटर पॉइंट थोड़ा सा ऐसा क्रॉस कर देते हैं, इसको इस तरफ ले आया, ये हार्ट हो गया। अभी मेन चीज क्या है, हार्ट है, उससे नीचे लाइन है, पैर यहां पे टच कर रहे हैं यहां पे, तो ये हार्ट के नीचे वाली लाइन कर देते हैं, फिर ये लाइन कर देते हैं, ये पैर क्रॉस है, ये भी पैर यहां पे टच हो रहे, बॉडी के नजदीक है, इससे कितना नीचे है, इतना नीचे है, नजदीक है, अभी नीचे से मोटा हो रहा है। ओके, तो नीचे का पतला और ऊपर का मोटा, ऐसे मोटा हो रहा है, फिर अंदर आपको ओवल शेप कर देना है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है वो देख लेना है। ओके, उसके बाद ये हाथ थोड़ा सा कट हो रहा है, तो यहाँ पे हाथ कट होने दिया, सेम चीज यहाँ पे भी ये ऐसा मोटा होगा, नीचे से जाते हुए ऊपर मोटा ऐसे, फिर इसके अंदर भी ओवल शेप कर देंगे। फिलहाल ये अपना स्केच है, तो आपको इतना मैटर नहीं करता कि प्रॉपर आप देखो कि सही है कि नहीं। ओके, उसके बाद आपको चांस मिलेगा। इसके नजदीक का पोर्शन एक ये राउंड, अब ये कितनी हाइट का रखे, हमारे पास ये पॉइंट है, ये लाइन है। ओके, सो हम एक सेंटर लाइन कर देंगे, ये दोनों पॉइंट के बीच में एक लाइन कर दी, तो एक सेंटर लाइन हो गई। उसके जरा सा नीचे मैं भी एक सेंटर लाइन कर देता हूँ, उससे जरा सा नीचे, सो यहाँ पे मेरा ओवल शेप जैसा कुछ मुंह है, ये हो गया मेरा मुंह, और ये लाइन के इस तरफ मेरा नोज आ रहा है,
ये क्रॉस में है और ये स्माइल, थोड़ी बहुत इधर उधर होगी तो चलेगी। अब नोज से जरा सा इस तरफ ऊपर, लाइन के नीचे आंख है, आंख में हल्का सा वाइट स्पेस रहे और फिर शेड कर देने का। ये आधी आंख ऊपर है, स्माइल से थोड़ा सा ऊपर जाते हुए यहाँ पे, यहाँ पे सेम चीज, वाइट स्पेस यहाँ पे है और ये ओके। अभी हमारे पास, हाँ ये हाथ वाला पॉइंट, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, ये दोनों के बीच में एक पॉइंट है, यहाँ से जा सकते हैं ओके। फिर शेप यहाँ पे इतना सा, ये लाइन की तरफ इतना सा है, तो पहले ये शेप बना देते, फिर ये तो पूरा कवर होगा ही ऐसे करके, रेडी। फिर उसके कान बनाने हैं, तो कान हल्का सा ऊपर जा रहा है, डोंट वरी। फिर इसके अंदर ये कान बना दिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये शेप बनाना है, रेडी। फिर ये वाले कान थोड़े से ऐसे नीचे है, लाइन के ऊपर है पर ऐसे कर दिया। फिर यहाँ से भी ये शेप बना लिया। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमारा ड्राइंग अच्छे से बना है ओके। अभी ये वाले ड्राइंग को हम अच्छे से डार्क करेंगे, क्या करेंगे, डार्क करेंगे। सो डार्क करने के लिए पहले क्या प्रॉपर देखेंगे कि भाई ये चीज़ सही है, हाँ सही है, तो ये डार्क, ये शेप। डार्क करते समय आपको सेकंड चांस भी मिलेगा, आपको ये मेरा टूट गया, मैंने ज़्यादा प्रेशर दे दिया था, ज़्यादा नहीं देना है ओके। ये वाला अभी अंदर का ये पोर्शन इरेज कर देंगे। अभी शेप आपको अच्छे से देख के करना है ओके। ये शेप नीचे आते आते छोटा हो जाएगा, अंदर आओ शेप। आपको ऐसे 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 नहीं करना है, आपको एक ही बार में कर देना है ओके। मेरा पैर थोड़ा इस तरफ है, गोलू नहीं हुआ है बट चलेगा ओके। ऐसे सिंपल, ये यह फिर यहाँ पे हाथ, यहाँ पे ट्राइंगल जैसा कुछ है, यहाँ ये सर्कल, फिर ये शेप यहाँ पे हो गया, तो सेम चीज यहाँ पे शेप हो गया। ऐसे ऐसे ऐसे, नाउ स्माइल अच्छे से कर देता हूँ, ये स्माइल। ऐसा जरूरी नहीं कि आपकी जो लाइन है उसी के ऊपर करो, आप थोड़ा बहुत इधर उधर आपसे तो करेक्शन कर सको, कि अच्छा नहीं लग रहा है तो आप करेक्ट भी कर सकते हो ऐसे ऐसे। वाइट स्पेस छोड़नी है यहाँ पे, ये हो गया, ये वाइट स्पेस छोड़ी। अब यहाँ पे प्रॉपर वाला शेप है वो लेना है ओके। ये हो गया ये अंदर वाला शेप ओके। बाकी सब शेप तो हमने मेजरमेंट के लिए लिए थे, वो आपको लाइन प्रॉपर नहीं करनी है, जैसा पिक्चर में है वैसा कॉपी करने की ट्राई करनी है। सी ऐसे, ये हो गया। अभी जो ये लाइन्स लाइन्स एक्स्ट्रा थी जो हमने मेजरमेंट के लिए ली थी, वो हम पहले अच्छे से इरेज कर देंगे ओके। बहुत इजी है, आपसे जरूर हो जाएगा, डोंट वरी। एक बार में, कई बार क्या होता है कि शुरू शुरू में हम स्केच करने बैठते हैं तो एक बार में नहीं होता तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें करते रहना है। देखो एक बार नहीं हुआ तो आप देखो अच्छे से वीडियो, देखो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। कई कई बार क्या होता है, आपको छोटी सी ऐसी चीज मिल जाए बराबर, जो आप गलत कर रहे हो वो आपको पकड़ में आ जाए। माना कि आप शेप पहले डार्क कर लेते हो तो आपको मिस्टेक्स हो जाती है, या पहले आप मेजरमेंट नहीं करते तो शेप चला जाता है। सो आपको थोड़ी छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है ओके। बहुत इजी है, इजीली हो जाएगा। उसके बाद
हम स्केच पेन करेंगे। सी स्केच पेन तो बड़ा इजी प्रोसेस है, हर कोई बच्चा करता है। टन टन टन, स्केच पेन में ध्यान रखना है, बड़ा ज़्यादा दबा के नहीं करना है, हल्का हल्का करना है और आराम से। ओके, एक ही बार में ऐसे करना है, जिगजैग जिगजैग नहीं करना है, ये पूरा ब्लैक कर देंगे, पूरा वाइट स्पेस रखेंगे अंदर ऐसे। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे, वाइट स्पेस रखेंगे, पूरा ब्लैक कर देंगे। ओके, अब ये वाला ऐसे। कोई वीडियो में मैं स्केच पेन नहीं करता और कोई वीडियो में करता हूँ, आपको बस स्केच पेन करनी है। आप ब्लैक स्केच पेन हो, अगर आपके घर पे ब्लैक स्केच पेन ना हो तो आप डार्क कलर के कोई भी स्केच पेन यूज़ कर सकते हो, जैसे कि डार्क ग्रीन यूज़ कर सकते हो, ब्राउन यूज़ कर सकते हो, वायोलेट डार्क होता है या पिंक डार्क होता है वो यूज़ कर सकते हो, कोई भी डार्क यूज़ कर सकते हो। ओके, ये यहाँ से ये बना दिया, ये हो गया ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे करके डायरेक्ट करके शेप। हाँ, अगर स्केच पेन करते समय भी आपको लगे कि शेप गलत है, देखो यहाँ पे, तो मैंने राउंड कर दिया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेरे बिगड़े हुए शेप को ही मैं रिपीट करूँ। स्केच पेन करते समय आपको पता है कि आपका शेप सही नहीं था, तो आप उसको वही वहीं पे सही कर सकते हो। मैं सही को सही बोलता हूँ, नहीं ऐसे करके, ऐसे शांति से करना है, धीरे धीरे करोगे तो अच्छा होगा। कई बार क्या, बहुत शांति भी नहीं चाहिए, थोड़ी तो स्पीड करनी पड़ेगी। ओके, धीरे धीरे करने से प्रॉपर लाइन नहीं होती, कई बार थोड़ी तो स्पीड रखो बट एकदम धीरे मत करो। ओके, ये हमारा हो गया टेडी बियर। टेडी बियर में हम अब क्या करेंगे, इरेज करेंगे इरेज करेंगे इरेज करेंगे, ऐसे जो पेंसिल वाला पोर्शन है, पेंसिल वाला पोर्शन है उसको हम इरेज कर देते हैं। सी मोबाइल में भी मैसेज आते रहते हैं भाई, क्या करें, कंपनी वाले लॉकडाउन में भी बैठने नहीं देते। सो इसके अंदर आप क्रेयॉन कर सकते हो और बहुत सारे कलर्स है, जैसे कि पेंसिल कलर से, क्रेयॉन से, वाटर कलर है, बट इनिशियल बेस पे आई थिंक आपको वैक्स क्रेयॉन करने चाहिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।